हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल देखिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बनाएंगे कान्हा जी के लिए ब्लैंकेट बनाएंगे शॉल बनाएंगे और इसे आप पहुँचो भी कह सकते हैं आपका जो मन करे आप इसे वो कह सकते हैं देखिए कान्हा जी इससे बहुत अच्छे से बैक साइड से भी कवर हो रहे हैं और देखिए हमने कान्हा जी की जो कैप है उसमें हमने यहाँ पर डोरी भी लगाई जैसे हमारे बच्चों के कपड़ों में हुडी आती है ना हुडी में हमारी डोरी होती है उसी तरीके की मैंने यहाँ पर डोरी लगाती है तो इससे हमारे कान्हा जी को यहाँ से कैप पहनाना भी बहुत ईजी हो जाएगा और ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे काना जी यहाँ पे कवर हो रहे हैं ये जीरो नंबर जी को मैंने आपको पहना के दिखाया हुआ है ये वाली जो ब्लैंकेट है आप एक नंबर जी को भी बहुत आराम से पहना सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बना लेते हैं काना जी के लिए ये बहुत ही सुंदर सा और ईजी सा ब्लैंकेट तो देखिए फ्रेंड्स आज की ड्रेस बनाएंगे हम दो तरह की ऊन से ये सिंपल हमारी बेबी वूल है और क्रोशिया देखिए मेरा यहाँ पे टू पॉइंट फाइव एम एम का तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यहाँ पे लूप बनाना है यहाँ पे हमने लूप बनाया और यहाँ पे हम लंबी सी चेन बनाएंगे देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह मैं लंबी सी चेन बना लेती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे टोटल तीस चेन बना ली है तीस चेन बनाने के बाद एक चेन छोड़ेंगे हम यहाँ से ये एक चेन छोड़ेंगे और यहाँ से दूसरी जो चेन है हमारी उसमें हम इस तरीके से एक हावडुलकोशिया कर लेंगे फिर नेक्स्ट चेन में एक हार डुलकोशा करेंगे फिर नेक्स्ट चेन में एक हाफ करेंगे सभी चेनों में से यहाँ पे एक एक हाफ डुलकोशा करके हमें ये रो कंप्लीट करना है तो चलिए मैं रो कंप्लीट कर लेती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये पूरा रो हमने कंप्लीट किया सभी में से चेन में से हमने एक एक बार हाफ डलकोशिया करके रो कंप्लीट कर लिया अब देखिए यहाँ से हमें अपना दूसरा कलर का ऊन लगाना है इस तरीके से हम चेन में लाएंगे और ये पिंक कलर के धागे को अच्छे से थोड़ा सा खींच देंगे इसके बाद हमें यहाँ से एक चेन लेना है और देखिए एक चेन लेने के बाद ये जो धागा है हमारा इसको हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे साथ के साथ तो हमारा फर्स्ट चेन पे एक हाफ डलकोशिया हो गया और जो हमारी दूसरी चेन है वहाँ पे हम देखिए ये एक हाफ डुलशा किया हमने फिर नेक्स्ट चेन पे भी एक हाफ डुल करेंगे इस तरीके से ये धागा थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे जरा सा ये देखिए हमारा ये तीन चेन है तीनों चेन एक बार फिर से उतार दिया हमने एक साथ में और फिर नेक्स्ट चेन पे भी हमें इसी तरीके से हाफ डुल कोशा करना है सभी चेन में से ये रो भी हमें हाफ हाउडुल कोशा करके पूरी कंप्लीट करनी है देखिए बस हमने यहाँ से कलर चेंज किया है बाकी हमारा मैथड वही है सारा हम चेन में से दो दो एक एक बार हाट उल्कुशा करके रो कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे ये रो भी हमने कंप्लीट कर दिया है बस हमें इसी तरीके से एक रो गुलाबी कलर से करेंगे एक रो पिंक कलर से अब हमारा देखिए गुलाबी कलर कल, कल, कलर का टर्न आ गया है तो हम यहाँ चेन में से जो स्टार्टिंग की चेन है ये देखिए यहाँ से हम अपना चेन धागा लगा लेंगे निकाल लेंगे मतलब और बस हम यहाँ पे देखिए एक चेन लेंगे और फिर से हम उसी तरीके से सभी चेन में से एक एक बार हावल कुशा करते हुए ये देखिए इस तरीके से इधर से आएंगे तो ये कलर लगा लेंगे दूसरी साइड से आएंगे तो दूसरा कलर लगा लेंगे तो हमें देखिए चैन कोई भी स्किप नहीं करनी है बस हमें एक रो पिंक कलर से करेंगे और एक रो ग्रीम कलर से कर लेंगे ऐसे मैं यहाँ पे देखिए दो रो और कंप्लीट कर लेती हूँ एक ये हो जाएगी इसके बाद दो रो और कंप्लीट करती हूँ टोटल मैं यहाँ पे पांच रो कंप्लीट करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट बताऊंगी क्या करना है ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये बिल्कुल लास्ट तक हमारा जो हमने चेन छोड़ दी थी ना वहाँ से देखिए अब हमें इसको लॉक किस तरीके से करना है धागा लपेटेंगे और ये जो हमारा ये जो होल दिखाई दे रहा है ना चेन का इसमें से एक हाफ डबल क्रोशिया लेंगे यहाँ से क्या होगा हमारा ये धागा लॉक हो जाएगा ठीक है अब हमारा यहाँ पे ये लॉक हो गया इसके बाद हमारा क्रीम कलर का धागा ले लेंगे यहीं से इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा और इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे फिर से एक चेन लेंगे और इस साइड आके फिर से सभी चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और ये वाली रो भी कंप्लीट करेंगे अब लास्ट की चेन मैंने आपको लॉक करना भी बता दिया तो इसी तरीके से चलिए मैं ये अब नेक्स्ट दो रो कंप्लीट कर लेती हूँ एक ये वाली और एक इसके बाद वाली टोटल यहाँ पे पांच रो बना के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये वाला रो कंप्लीट हो गया और मैंने ये चेन को इस तरीके से छोड़ दिया है यहाँ पे अब हम यहाँ से देखिए अपना पिंक कलर का ऊन लेके जाएंगे दूसरी साइड लेके जाएंगे और ये देखिए हमने यहाँ से इस तरीके से चेन निकालेंगे एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद अब ये वाली जो चे रो है हमारी ये देखिए सिंगल क्रोश से पूरी करेंगे नेक्स्ट चेन में डालेंगे और सिंगल क्रोश से पूरी करेंगे देखिए नेक्स्ट चेन में डाला एक सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर नेक्स्ट चेन में डाला और ये सिंगल क्रोशिया तो सभी चेनों में से एक बार हम सिंगल सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे और इसी तरीके से रो कंप्लीट करेंगे ये देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे पूरा रो कम्प्लीट हो गया यहाँ से हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद देखिए ये नेक्स्ट चेन है इसमें एक स्लिप स्टिच कर देंगे इतना करने के बाद यहाँ से एक दो ये हम एक डबल क्रोशिया किया इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे देखिए टोटल बार यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया हो गए और यहाँ पे एक और करेंगे इतना किया हमने और इतना करने के बाद देखिए हमारा जो एक दो यहाँ से हमने तीसरी चेन ली थी यहाँ से यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया था एक दो तो अब हम यहाँ पे जो तीसरी चेन है वहाँ पे एक डबल क्रोशिया लेंगे फिर से एक डबल क्रोशिया लेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया लेंगे टोटल हमने यहाँ पे चार डबल लिए हैं देखिए इस तरीके से इसी तरीके से फिर से एक दो तीन तीसरी चेन में चार डबल क्रोशिया लेंगे और इससे थोड़ा सा हमारा बॉर्डर यहाँ पे बन जाएगा ये देखिए दो ये तीन और ये चार तो टोटल हमने यहाँ पे चार चार डबल क्रोशिया तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी हर तीसरी चेन में हम चार चार बार डबल क्रोशिया करेंगे और ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे तो चलिए मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ तक ये रो कम्प्लीट हो गया पूरा तो हमारा हीरो कंप्लीट हो गया इसके बाद देखिए जो हमारा क्रीम कलर वाला ये जो वाला रो आ रहा है यहाँ पे एक हमने देखिए धागा लपेटा है तीन छः धागा ही तीनों एक साथ उतार देंगे ये वाली जो साइड है एक बार हम बिल्कुल कोशा और करेंगे फिर इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट है येलो क्रीम कलर का वहाँ पे एक हावल कोशा करेंगे फिर एक हावल कोशा करेंगे देखिए इस तरीके से फिर इसके बाद यहाँ से फिर ये जो पिंक वाला है ये आप ताजे से भी कर सकते हैं बस हमें ये आउटलाइन से करनी है दो दो बार हाफ डल कोशा करेंगे और हमारा यहाँ पे थोड़ा सा आउटलाइन हो जाएगी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी ये देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा अब हमारा जो ये कॉर्नर है ये यहाँ भी हमें हाड करना है एक बार किया और ये दो बार किया इतना करने के बाद एक चेन लेंगे और यहाँ से जहाँ से हमारी ये जो चेन है ना यहाँ पे ले जाके एक स्लिप स्टिच कर देंगे देखिए इससे हमारी किनारी बन जाएगी चाहे तो एक बार और स्लिप स्टिच कर देंगे और बस हम यहाँ से धागे को कट करके निकाल देंगे तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये कॉर्नर बनाया ये वाला इसी साइड भी हम जो दूसरी साइड है यहाँ भी हम ऐसे ही बना देंगे यहाँ से हम धागे को ज्वाइन कर लेंगे एक चेन लिया और एक चेन लेके एक चेन और ले लेंगे और ये जो जो पिंक वाली रो है हमारी उसमें हम यहाँ पे ये देखिए हाफ कोशिया किया एक इसी में एक बार और कोशिया कर देंगे फिर हमारा जो ये नेक्स्ट है यहाँ पे क्योंकि देखिए हमारे पास चेन नहीं है लूप है तो हमें ये लूपों में ही हाफ डबल कोशा इस तरीके से करते आना है जैसे हम गले पे करते हैं ना डिज़ाइन आउटलाइन करते हैं उस तरीके से यहाँ भी दो दो बार हार्डल डकुशा करते आएंगे देखिए ठीक है और इससे हमारे जो धागे वागे हैं एक्स्ट्रा ये भी एडजस्ट हो जाएंगे तो देखिए मैं दो दो बार यहाँ पे हार्डल डुल कुशा कर रही हूँ अभी हमारा लास्ट वाला आ गया है इसमें हमने देखिए एक बार किया और ये एक बार और इसके बाद ये जो हमने एक चेन लेके यहाँ स्लिप स्टिच किया था यहाँ पे ले जाके देखिए ये इसमें डालेंगे क्रोशिया हुक अपना और यहाँ से स्लिप स्टिच करनी है थोड़ा धागा फंस गया है ये देखिए हमारे यहाँ पे स्लिप स्टिच हो गया तो कॉर्नर भी अच्छे से बन आ जाएगा फिर एक चेन लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे इतना किया और यहाँ से देखिए एक ऐसे कट कर देंगे और इसे थोड़ा सा खींच देंगे तो हमारा यहाँ पे आउटलाइन हो गई देखिए बहुत अच्छे से हमारी आउटलाइन होके आ गई है अब हम क्या करेंगे कैप बनाएंगे यहाँ से काना जी के लिए आप कोई भी कलर ले सकते हैं अपनी मर्जी से तो देखिए हमारे यहाँ पे टोटल जितनी भी चेन है उसका हमें सेंटर पॉइंट निकालना देखिए इस तरीके से फोल्ड किया और ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया तो एक दो तीन चार ये हमारा पाँचवीं चेन में हमने डाल दिया तो टोटल हम यहाँ पे दस चेन पे काम करेंगे वर्क करेंगे जो भी है ये देखिए इस तरीके से धागा लगाएंगे धागे को खींच देंगे और इतना करने के बाद दो चेन ली हमने देखिए दो चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन पे एक डबल कोशिया या हाफ डबल कोशिया जो भी आपका मन करे आप वो ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम कानाजी के लिए कैप बना रहे हैं टोटल हम दस चेन में डबल कोशिया कर लेते हैं ये देखिए चार हो गया टोटल इसके बाद ये पाँच सात, आठ नौ और ये दस टोटल हमने यहाँ पे दस चेन पे डबल क्रोशिया कर लिया अब नेक्स्ट रो करेंगे यहीं से घुमा देंगे और ये जो नेक्स्ट चेन है उस पर देखिए डबल क्रोशिया करेंगे जैसे हम सीधी सीधी पट्टी बनाते हैं उसी तरीके से बस हमें यहाँ पे ये दो रो कंप्लीट करेंगी पहले देखिए सिंपली मैं एक एक बार डबल क्रोशिया कर रही हूँ सभी चेनों में से टोटल दस चेन लिए हमने यहाँ पे कैप के लिए ये देखिए तो हमारा ये कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा एक रो हम और बनाएंगे दो रो बनिए देखिए टोटल हमारी अब जो नेक्स्ट रो बनेगी उसमें हम हार्ड वेयर कोशिया लेंगे ये देखिए ये हमारा इस तरीके से हाफ हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा तो टोटल हमारी दो डबल की रो और एक हाफ डबल क्रोशिया की रो बन के तैयार हो जाएगी और यहाँ हमें लास्ट तक बिल्कुल ये बना लेना है कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है तो ये देखिए हमारा ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बन के आ जाएगा और ये जो धागे हैं हमारे इसे हम अंदर ला देंगे यहाँ सीधी सीधी पट्टी बनाई है और सीधी सीधी पट्टी बनाने के बाद दो रो डबल क्रोशिया की एक हाफ डबल क्रोशिया की रो हमने यहाँ पे बना के तैयार कर लिया अब हमें क्या करना देखिए इसको ये साइड हमारी सीधी है देखिए और इधर से हमारे थोड़े से धागे वागे से इस तरीके का डिज़ाइन आ रहा है तो इसको हम देखिए इस तरीके से पलटेंगे सीधी साइड अंदर रखेंगे और उल्टी साइड बाहर रखेंगे अब हमारा देखिए ये जो चेन है हम यहाँ से सूई धर्ग से ना सिलने के बजाय क्रोशे से ही सिल देंगे देखिए तो ये देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ से ये जो हमारी स्टार्टिंग वाली चेन है ये इस तरीके से इसमें क्रोशिया उठा लेंगे चेन लेंगे और इस वाली चेन में से निकाल देंगे आप चाहे तो ये सुई धागे से भी स्टिच कर सकते हैं सुई धागे से भी ये स्टिच हो जाएगा बस दोनों साइड पकड़नी देखिए और ये इस तरीके से चेन से स्लिप स्टिच से हम इसे सिल देंगे दो चेनों में से निकालेंगे चेन लाएंगे और पहली वाली चेन में से स्लिप स्टिच कर देंगे और ऐसे ही करके बस टोटल हमने दस चेन का तो यहाँ पे बनाया ही है क्योंकि तो छोटे खाना जी का है देखिए हमारे यहाँ पे इतना स्टिच हो गया अब बस हमें यहाँ पे सिंपली धागे को कट करके निकाल देना है तो हमारा यहाँ पे देखिए स्टिच हो गया और आप इसे इस तरीके से पलटेंगे तो आपको देखेंगे कि इसका कैप का शेप बिल्कुल अच्छे से आ गया है धागे को एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे ये देखिए तो हमारी कैप भी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है तो हमारी ये शॉल यहाँ पे बन गई है आप किसी भी जैसे काना जी को ड्रेस पहनाते हैं कपड़े गीले हों सर्दी हो रही है जैसे सूखते नहीं हैं गीले हों सूखे ना हो तो आप इससे खाना जी को कॉटन की जैसे सिंपल हैवी ड्रेस जो भी थोड़ा बहुत पहनाते हो उसके ऊपर से आप इसे आराम से खाना जी को सकते हैं थोड़ी सी हम इसकी आउटलाइन करेंगे देखिए यहाँ पे हमें लूप मिले हुए हैं देखिए ये लूप है ये लूप है जो हमने डबल क्रोशिया की रोक की है तो बस हमें किनारे से बिल्कुल ये धागे को इस तरीके से चेन में निकालना है ये हमने थोड़ा सा टाइट किया और बस एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद देखिए यहीं लूप में जैसे हम आउटलाइन करते हैं ना उसी तरीके से ये एक बार डबल हाफ डबल कुशिया करा ये हाफ डलकुशिया देखिए एक बार और बताती हूँ चेन आपको कहाँ से लेनी है जहाँ से हमारा ये स्टार्ट है देखिए ये वाली जो पट्टी है ना इस वाली चेन पे यहाँ से हम धागे को जोड़ेंगे तो हमारी जो कैप की फिनिशिंग है ज़्यादा अच्छे से आएगी और बस हमें यहाँ से एक चेन लेनी है चेन लेने के बाद अब ये जो लूप है हमारा इस पर हम हार्डल कुशा कर देंगे एक बार किया और ये दो बार किया देखिए अब जो नेक्स्ट लूप है उस पर भी हम इसी तरीके से कर देंगे ये एक बार किया ये दो बार किया अब ये वाला लूप आ गया है टोटल हमने तीन रो किए तो हमारे को तीन यहाँ पे लूप मिल जाएंगे अब इसके बाद देखिए हमारा ये जो जॉइंट हुआ है यहाँ पे इस वाली जगह पे भी हमें हार्डुलकुशिया करना है ये एक बार किया और ये दो बार किया इसी में एक बार और करेंगे जिससे कि हमारा यह सर्कल सा बन के शेप सी आ जाएगी अब इसके बाद देखिए हमारा ये हार्डुलकुशिया वाली लूप आ गया है यहाँ पर एक बार किया एक बार और किया फिर ये नेक्स्ट लूप है इसमें हम दो दो बार करेंगे एक बार किया और ये दो बार किया अब ये नेक्स्ट लूप है तो यहाँ पे एक बार किया और ये दो बार किया जैसे उधर साइड किया वैसे ही हमने यहाँ भी किया इसके बाद हमारा जो ये वाली पट्टी है ये जो इसकी कॉर्नर की चेन है यहाँ पे लाके एक स्लिप स्टिच करेंगे जिससे कि हमारे देखिए ये यहाँ से जॉइंट हो जाएगा अलग सा नहीं लगेगा है ना बस हमें यहाँ से इस तरीके से लॉक किया लॉक करने के बाद यहाँ से धागे को हम कट कर देंगे तो ये देखिए हमारा कैप इस तरीके से बन के रेडी गया धागों को हम अंदर की साइड एडजस्ट कर देंगे तो ये हमारा इस तरीके से कुछ पहुँचू बन के आ जाएगा पहुँचू भी कह सकते हैं आप इसे शॉल भी कह सकते हैं ब्लैंकेट भी कह सकते हैं ये देखिए और बस अब न, आपने करना क्या है ये देखिए आप इसे पहनाएंगे ना तो ये इसका लुक बिल्कुल इस तरीके से आएगा यहाँ पे हमें ये इस तरीके से एक यहाँ पे आप इस टिच बटन लगा सकते हैं और ये देखिए इसका लुक इस तरीके से आ जाएगा तो टिच बटन आप ले सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर मैं आपको जी को पहना के भी दिखा देती हूँ कि आप टिच बटन के निशान किस तरीके से लगा सकते हैं पहले मैं ये धागा अंदर एडजस्ट कर देती हूँ देखिए इस तरीके से ठीक है ये देखिए हमारा कितना सुंदर सा यहाँ पे पोचो बन के आ गया है तो देखिए हमारे ये छोटू काना जी हैं ज़ीरो साइज़ के हैं देखिए और ये जो हमारा ब्लैंकेट है आप ज़ीरो नंबर को एक नंबर को आराम से बना सकते हैं तो ये देखिए हमारे काना जी को कैप इस तरीके से आ जाएगी और यहाँ से इस तरीके से ये हमने ऐसे करके पहनाया और यहाँ पे टिच बटन आप दो लगा लीजिए एक बिल्कुल यहाँ पे लगाएंगे जहाँ हमारा कैप है एक यहाँ पे और एक नीचे जिससे कि ये कानाजी बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर हो जाएंगे ये देखिए फ्रेंड्स आप टिच बटन भी लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे जैसे हमारे बच्चों की जो हमारी जैकेटों में हुडी होती है ना हुडी में हमारे यहाँ पे डोरी डली होती है उसी तरीके से आप ये देखिए ऐसे करके यहाँ पे डोरी भी लगा सकते हैं कैप में जैसे हम रोटी हैं उस तरीके से यहां से आप कानाजी की कैप बड़े आराम से ये बांध देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से कान्हा जी को फिट आ जाएगी और उसके बाद इसे इस तरीके से यहाँ पे यहाँ एक टिच बटन लगा देंगे तो हमारी ये देखिए इस तरीके से कान्हा जी का जो कैप है बहुत अच्छे से यहाँ पे फिटिंग में आ जाएगा बिल्कुल तो देखिए फ्रेंड्स हमारे कान्हा जी को ये बहुत अच्छे से ब्लैंकेट जो है फिट आ गया बैक साइड से भी काना जी बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर हो रहे हैं देखिए और मैंने यहाँ पे कैप में डोरी भी लगा दी है जिससे कि हमारे काना जी की जो कैप है बिल्कुल अच्छे से फिट हो गई है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स फिर मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे हरे कृष्णा